How are you? Fine. Okay. Today's chapter is 18. Today's topic is ascending and descending order. Okay, students. Open your maths book. Top chapter number 18. Ascending and descending order. हमने कल भी किए थे ascending order. Ascending order means क्या होते हैं? बढ़ते क्रम में. जैसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा. Okay? पहले हमने किया था ना? One digit. आपको digit दी गई हैं. इसमें सबसे पहले क्या आएगा? One. One के बाद बड़ा कौन सा? Two. Two के बाद four. Four से बड़ा कौन सा? Five. फिर next क्या है? Seven. छोटे से बड़ा. इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम में. कि पहले हम छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ये बढ़ते क्रम में क्यों जा रहे हैं? जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, बड़े बड़ा नंबर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम बढ़ते क्रम में. और इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ देखो, वन टू थ्री फोर, आपको ये डिजिट दी गई है. इसका क्या मीनिंग है? असेंडिंग ऑर्डर क्या है? जैसे छोटे से बड़ा. नीचे से देखो, वन के हो जाएंगे, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. असेंडिंग ऑर्डर कैसे आती हैं? छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में जाते हैं हम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे देखो, सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिया गया है? स्मॉल कौन सा है? वन. यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम? वन. उससे बड़ा देखो थ्री, तो यहाँ क्या आएगा? थ्री. फिर फाइव सिक्स सेवन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपना वर्क कंप्लीट किया कल का. ओके, आज हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होते हैं? घटते क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा. ओके स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बड़े से छोटा. आपकी बुक में देखो, डिसेंडिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर गोइंग टूवर्ड्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन. बड़े से छोटा जाते हैं ना, जैसे लार्जेस्ट नंबर गोइंग टू स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो क्या होते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको हम बोलते हैं घटते क्रम में. यानी कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिया गया है? सेवन. तो सबसे पहले क्या आएगा? सेवन. फिर उसके बाद सिक्स. सिक्स के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फाइव. तो यहाँ क्या राइट करेंगे? फाइव. फाइव के बाद फोर. फोर के बाद कौन सा आएगा? टू. ये होता है घटते क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा. ये है डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नाइन. तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाइन. नाइन के बाद सेवन. सेवन के बाद कौन सा छोटा? सिक्स. सिक्स के बाद फोर. लास्ट में क्या आएगा? थ्री. ये है घटते क्रम में, सब बड़े से छोटा. ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर. अब ये देखिए, इधर चार आपको दिया गया है, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. जैसे सबसे पहले क्या आएगा? नाइन. फिर उसके बाद एट सेवन सिक्स फाइव, फिर फोर थ्री टू वन. जिन हम जा रहे हैं ना, घटते क्रम की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर. जबकि सबसे पहले हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे भी छोटा, लास्ट में हमने क्या लिखा? सबसे छोटा नंबर. तो ये क्या हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? बढ़ते क्रम में, जैसे स्मॉल टू बिग नंबर. जैसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? सबसे बड़ा नंबर. ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कि सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? सबसे छोटा नंबर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक में पेज नंबर 46 जो है, आपने ये कंप्लीट करना है. कल आपने राइट द गिवन नंबर से असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट किया था, और आज आप करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ये आपने अपनी बुक में, मैथ्स बुक में कंप्लीट करना है. आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए, आप दोबारा पूछ लेना. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपना कंप्लीट करना है अच्छे से. ओके, बाय, थैंक यू.